अस्सलामुअलैकुम, आपका भाई साई रहमानी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फाइनली दोस्तों, शाओमी ने अब तक के सबसे पावरफुल स्मार्टफोन को चाइनीज मार्केट में लॉन्च कर दिया है। मैं बात कर रहा हूँ मी 11 की, जिसको दो तीन दिन पहले चाइनीज मार्केट में लॉन्च कर दिया गया है और ये बहुत ही तबाही की स्पेसिफिकेशन के साथ आया है। ये किसी भी फ्लैगशिप स्मार्टफोन को किल कर सकता है, फिर चाहे वो सैमसंग का स्मार्टफोन क्यों ना हो। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि इस मोबाइल फोन में बहुत ही तगड़ी स्पेसिफिकेशंस लाई गई हैं। आज बताऊंगा आपको इस मोबाइल फोन की कन्फर्म स्पेसिफिकेशंस, साथ में ये पाकिस्तान और इंडियन मार्केट में कब तक आएगा और इस मोबाइल फोन की प्राइस क्या होने वाली है। तो वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर भी हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ज्यादा बोर नहीं करता, काम की बात स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले इस मोबाइल फोन के हम डिजाइन से स्टार्ट करते हैं। तो बहुत ही यूनिक डिजाइन के साथ आएगा। Xiaomi ने अब की बार डिजाइन के ऊपर काफी ज्यादा फोकस किया है। फ्लैगशिप स्मार्टफोन है, डेफिनेटली आप लोगों को इस मोबाइल फोन का डिजाइन काफी ज्यादा पसंद आएगा। तो भाई सबसे पहले इस मोबाइल फोन के हम डिस्प्ले से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इस मोबाइल फोन में अब तक का सबसे पावरफुल डिस्प्ले है। इवन कि आपको ऐसा डिस्प्ले सैमसंग के किसी स्मार्टफोन में भी नहीं मिलेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ तो आपको यहाँ पर बता देता हूँ दोस्तों। इस मोबाइल फोन में आपको 6.81 इंच का एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको QHD प्लस रेजोल्यूशन यानी कि 2K की रेजोल्यूशन देखने को मिलेगी और 120 हर्ज का रिफ्रेश रेट है। यही नहीं, यहाँ पर आपको 240 हर्ज का टच सैम्पलिंग रेट भी मिल जाता है। HDR10 की सपोर्ट भी आपको इस मोबाइल फोन के डिस्प्ले में मिल जाएगी। और बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती है, यहाँ पर आपको 1500 ब्राइटनेस निट्स भी मिल जाते हैं, जो कि अब तक के सबसे ज़्यादा ब्राइटनेस निट्स हैं। और यही नहीं, इस मोबाइल फोन के डिस्प्ले में आपको गुरिल्ला ग्लास विक्टस, जो कि गुरिल्ला ग्लास की लेटेस्ट जनरेशन है प्रोटेक्शन की, वो भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों, ऐसा डिस्प्ले आपको सैमसंग के किसी स्मार्टफोन में भी नहीं मिलेगा। नो डाउट डिस्प्ले इस मोबाइल फोन का सबसे पावरफुल है और बहुत ही ज़बरदस्त आपको यहाँ पर डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। कलर्स काफ़ी ज़्यादा कंची होने वाले हैं। और यही नहीं, इस मोबाइल फोन का डिस्प्ले आपको 4-sided कर्व देखने को मिलेगा। अब तक हमें सैमसंग के ऐसे स्मार्टफोन मिल चुके हैं जो दो साइडों से कर्व्ड होते थे, लेफ्ट और राइट से, लेकिन ये स्मार्टफोन आपको 4-sided कर्व डिस्प्ले के साथ मिलेगा, यानी कि लेफ्ट और राइट, टॉप और बॉटम। यानी सामने से देखने में स्मार्टफोन आपको जस्ट एक स्क्रीन नजर आने वाला है। इसके अलावा मोबाइल फोन के डिस्प्ले में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। लेकिन इस सेंसर से जस्ट आप अपने मोबाइल फोन को अनलॉक ही नहीं कर सकते, बल्कि इस सेंसर से आप अपने हार्ट रेट को भी चेक कर सकते हैं। इमेजिन करें दोस्तों, इस काम के लिए एक अलग से मशीन यूज़ की जाती है, लेकिन अब आप अपने थंब से ही अपना हार्ट रेट भी चेक कर सकेंगे। और ये मी 11 का काफ़ी कूल फीचर होने वाला है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इस मोबाइल फोन की सेकंड हाईलाइट इस मोबाइल फोन का प्रोसेसर है। यहाँ पर आपको अब तक का स्नैपड्रैगन का सबसे पावरफुल चिपसेट देखने को मिलेगा, यानी कि स्नैपड्रैगन 888। यह दोस्तों 5G चिपसेट है और बहुत ही पावरफुल चिपसेट है। स्नैपड्रैगन का अब तक का सबसे पावरफुल चिपसेट है, जो कि रिसेंटली रिलीज हुआ है और इसके बेंचमार्क स्कोर्स भी काफी ज्यादा निकल कर आए हैं। वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ दोस्तों, मी 11 के बेंचमार्क स्कोर 7,45,000 निकल कर आए हैं, जो कि अब तक के सबसे ज्यादा बेंचमार्क स्कोर है। तो बहुत ही पावरफुल चिपसेट है दोस्तों। इसके अलावा बात कर लेते हैं अब हम इस मोबाइल फोन के कैमरा सेटअप की, क्योंकि इस मोबाइल फोन की थर्ड हाईलाइट इस मोबाइल फोन का कैमरा सेटअप है। मोबाइल फोन के बैक पर आपको हर एक कंपनी की तरह क्वाड कैमरा सेटअप नहीं, बल्कि ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। लेकिन ये ट्रिपल कैमरा सेटअप किसी भी स्मार्टफोन कंपनी के क्वाड कैमरा सेटअप से काफ़ी ज़्यादा बेटर है। यहाँ पर आपको 108 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिलता है। यहाँ पर सैमसंग का लेटेस्ट सेंसर लगाया गया है HM2। 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है और 5 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस। लेकिन आप इस 5 मेगापिक्सल के मैक्रो लेंस से ही टेलीफोटो लेंस का भी काम ले सकते हैं। तो एक्चुअल में दोस्तों ये ट्रिपल कैमरा सेटअप है, लेकिन आपको ये क्वाड कैमरा सेटअप वाले सारे फीचर प्रोवाइड कर देता है। यहाँ पर आपको स्लोमो, सुपर स्लोमो, EIS, OIS, नाइट मोड, तकरीबन सभी प्रीमियम फीचर आपको इस मोबाइल फोन के कैमरा सेटअप में मिल जाएंगे। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट पर आपको बहुत ही छोटे साइज के पंच होल में 20 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर भी मिल जाता है और डेफिनेटली इस 20 मेगापिक्सल के सेल्फी शूटर की परफॉर्मेंस भी बहुत ही जबरदस्त देखने को मिलेगी। मतलब यार, Xiaomi ने स्मार्टफोन में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। किसी भी सेगमेंट को उठाकर देख लें, आपको ये तमाम सेगमेंट में किसी भी स्मार्टफोन को किल कर सकता है। यहाँ पर आपको ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं,
टाइप सी की कनेक्टिविटी मिल जाती है, लेकिन अब की बार यहाँ पर 3.5 mm के ऑडियो जैक को रिमूव कर दिया गया है, जैसा कि एप्पल अपने स्मार्टफोन्स में करता चला रहा है। तो आपको यहाँ पर कोई 3.5 mm का ऑडियो जैक नहीं मिलेगा, बल्कि आपको अलग से एक टाइप सी कनेक्टिविटी की लीड दे दी जाएगी, जिससे आप अपने 3.5 mm का ऑडियो जैक को कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा रैम और स्टोरेज टाइप की बात करें तो आपको यहाँ पर रैम LPDDR5 की सपोर्ट देखने को मिलेगी, जबकि स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पर आपको UFS 3.1 की स्टोरेज सपोर्ट देखने को मिलेगी। यही नहीं दोस्तों, यहां पर अगर हम वेरिएंट्स की बात करें तो ये 3 वेरिएंट्स के साथ चाइनीज मार्केट में लॉन्च हुआ है, 6GB 128GB 8GB 128GB और 12GB 256GB, लेकिन ये पाकिस्तान और इंडियन मार्केट में 2 वेरिएंट्स के साथ आएगा। अब ये कंफर्म नहीं है कि ये कौन से 2 वेरिएंट्स होने वाले हैं, 6GB 128GB बेस वेरिएंट तो जरूर होगा, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि 8GB 256GB होगा या फिर 12GB 256GB सेकंड वेरिएंट होगा। लेकिन किसी भी वेरिएंट के साथ आए दोस्तों, मोबाइल फोन काफी ज्यादा पावरफुल है। अब थोड़ा बात कर लेते हैं हम इस मोबाइल फोन की बैटरी सिचुएशन की। तो यहाँ पर आपको 4600 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी विद 55W की फास्ट चार्जिंग के साथ। बात यहीं पर खत्म नहीं होती है, इस मोबाइल फोन में आपको 50W की वायरलेस चार्जिंग भी देखने को मिलती है और 10W की आपको रिवर्स फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिल जाती है, जो कि काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। यानी मोबाइल फोन की बैटरी स्टोरेज थोड़ी सी कम जरूर है, लेकिन फास्ट चार्जिंग काफी ज्यादा दे दी गई है, तो आप अपने मोबाइल फोन को काफी तेजी से चार्ज कर सकते हैं। तो भाई अब बात कर लेते हैं इस मोबाइल फोन के हम चार्जर की, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर कह रहे हैं कि आपको इस मोबाइल फोन के बॉक्स में चार्जर नहीं मिलेगा। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, ये ऑप्शन जस्ट एक चाइनीज मार्केट के लिए है, लेकिन पाकिस्तान और इंडियन मार्केट में जब ये स्मार्टफोन आएगा तो आपको बॉक्स में चार्जर मिलेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन चाइनीज मार्केट में ये ऑप्शन रखा गया दोस्तों, अगर आप चाहें तो चार्जर ले सकते हैं, चाहें तो चार्जर नहीं भी ले सकते, लेकिन प्राइस में वहां पर भी कोई डिफरेंस नहीं है। यानी सेम प्राइस बॉक्स में ही आपको चार्जर मिलेगा, सेम प्राइस ही आपको पे करनी पड़ेगी अगर आप चार्जर नहीं भी लेते हैं, तो चार्जर वाली टेंशन लेनी आपने बिल्कुल छोड़ देनी है। तो अब बात कर लेते हैं इस मोबाइल फोन की प्राइस की। तो चाइनीज मार्केट में इस मोबाइल फोन के बेस वेरियंट की प्राइस 4000 yuan निकल कर आई है, और अगर हम इसको कन्वर्ट करें पाकिस्तानी करेंसी में तो ये तकरीबन 85K प्लस बनते हैं, और अगर हम इसमें पीटीए के टैक्स को भी शामिल कर लें तो मेरा ख्याल है ये स्मार्टफोन पाकिस्तानी मार्केट में 1,02,000-1,03,000 के प्राइस टैग में आ जाना चाहिए। लेकिन ये काफी बड़ी अमाउंट है दोस्तों, मेरा ख्याल है शाओमी को अपने मोबाइल फोन की प्राइस को थोड़ा सा डाउन करना चाहिए पाकिस्तानी मार्केट के लिए, क्योंकि पाकिस्तानी हुकाम तो टैक्स में कोई रिलैक्सेशन देने वाले नहीं है। तो शाओमी को ही चाहिए कि यहाँ पर प्राइस थोड़ी सी डाउन कर ले और ये स्मार्टफोन अंडर 1 lakh के प्राइस टैग में आना चाहिए। और अगर हम बात करें इंडियन मार्केट के, क्योंकि बहुत सारे व्यूवर्स जो है वो हमारे चैनल पर इंडिया से भी हैं, तो भाई ये स्मार्टफोन आपकी कंट्री में अंडर 50,000 के प्राइस टैग में बआसानी आ जाएगा। अब प्राइस देके आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि दोनों ही कंट्रीज की करेंसी में काफी बड़ा गैप है, लेकिन ये जहां पर भी जिस प्राइस टैग के साथ भी आता है बहुत ही पावरफुल स्मार्टफोन है। आपको यहां पर सबसे बेस्ट डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, आपको यहां पर सबसे पावरफुल चिपसेट मिल जाता है, आपको यहां पर सबसे पावरफुल कैमरा सेटअप मिल जाता है, और बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। इस मोबाइल फोन में आपको 55W की फास्ट चार्जिंग और 50W की वायरलेस फास्ट चार्जिंग भी मिल जाती है। तो यार एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन से आप और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बहुत ही पावरफुल स्मार्टफोन है। अब थोड़ा बात कर लेते हैं इस मोबाइल फोन की हम लॉन्चिंग डेट की। तो चाइनीज मार्केट में तो ये स्मार्टफोन लॉन्च हो चुका है, लेकिन पाकिस्तानी मार्केट में आपको ये स्मार्टफोन फरवरी के महीने में मिल जाएगा, और तकरीबन यही डेट इंडियन व्यूवर्स के लिए भी है, क्योंकि 10-20 दिन का ही पाकिस्तान और इंडियन मार्केट में गैप रखा जाता है। तो भाई बहुत ही पावरफुल स्मार्टफोन है, मुझे स्मार्टफोन का काफी बेसब्री से वेट है। आपको कितना वेट है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।